हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही जल जनित रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। सीएमओ मंडी डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने आग्रह किया है कि बरसात के मौसम में लोग पीने से पहले पानी को उबालें, साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखें, पानी कहीं जमा ना होने दें। उन्होंने कहा कि मॉनसून के दौरान मानव शरीर संक्रमण से ग्रसित हो सकता है। बरसात के दौरान ज्यादातर बीमारियां जल जनित ही होती हैं। जल जनित रोगों में पीलिया और हैजा जैसे रोग फैलने का डर रहता है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि लोग स्वच्छ पानी ही पिए और पानी को उबाल कर पिए। उन्होंने कहा कि लोग आजकल बावड़ियों का पानी ना पिए, इसकी जगह जल शक्ति विभाग द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी को ही पिए। हाँ, जैसे आजकल देखने में बरसात का मौसम शुरू हो चुका हुआ है, तो आजकल बरसात में जैसे हर साल की तरह ही जो केस होते हैं, जैसे डायरिया, डाइसेंट्री, दूसरे हमारे जो पीलिया के केस होते हैं, बच्चों में जो दस्त वगैरह हो जाते हैं या बुखार, बड़ों में भी जैसे अब फील्ड में लोग काम कर रहे हैं तो उनके भी बुखार के केस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ज़्यादा कोई ऐसा केस आया नहीं कि ज़्यादा कि जिसकी क्वान्टिटी ज़्यादा बढ़ गई हो। हाँ, जैसे रूटीन केस होते आ ही रहे हैं, तो मेरा तो लोगों से आपके माध्यम से यह आग्रह है कि जैसे कोई पानी पीने का होता है, मेन तो कारण होता है पानी, जब हम पीते हैं तो ये थोड़ा पानी जो है उसका सफाई का ध्यान रखें, पानी को उबाल के पिए। अगर हम पानी हैं, अगर उसको हम 15-20 मिनट तक उबाल के रखते हैं तो उसमें कीटाणु जितने जो ख़त्म हो जाते हैं। तो आजकल देखने में आया कि इक्का दुक्का केस हमारे पीलिया के भी आ रहे हैं, जगह जगह से आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका मेन कारण आजकल यही है, जो पानी हम पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो कंटेमिनेटेड वाटर होता है इसका मेन कारण जो होता है। या दूसरे होता है कि जो पानी पीना है, तो जैसे बॉडियों को पानी पीते हैं लोग, बॉडियों का पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई लोगों का धारणा है कि बॉडी का पानी बहुत अच्छा होता है। तो मेरा ये उनसे अनुरोध रहेगा कि IPH विभाग के द्वारा उनके साथ मिल के और हमारे डिपार्टमेंट से मिल के उन बॉडियों की साफ़ सफाई से सुनिश्चित करें और उसमें एक ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल के, ताकि उसको पानी जो पीने लायक किया जा सकता है।